देखिए दोनों तीनों माछ। ये देखिए फुआ का गांव आ गए हम लोग। चलो लक्ष्मी देखो घर में कौन कौन है। लक्ष्मी आ गई मचन दादी घर। देखिए अनबॉक्सिंग हो रहा है दोस्तों। बिजली चूल्हा फुआ के हाथों हो रहा है देखने के लिए। माय बेटा हम लोग ताड़ रहे हैं तो देखने के लिए। ये देखिए बहुत अच्छा है ना। देखिए फुआ का फरमाइश आज पूरा हो गया दोस्तों। कभी देखे थे नहीं लेकिन पहली बार आज देखे थे। अच्छा कभी नहीं देखे थे ऐसा चूल्हा। हेलो दोस्तों आप सबों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता है आप लोग भी स्वस्थ होंगे मस्त होंगे आप अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों कल का वीडियो में आप लोग देखे कि पूरा एकदम वैरायटी वैरायटी खाना बना करके खाए इंडक्शन चूल्हा में, काफी मजा आया। तो आज फुआ देख करके बोल रही है दोस्तों इंडक्शन चूल्हा ले जाने के लिए। तो अभी हम लोग ले करके चलेंगे वहीं पर, है ना जी। हम लोग अभी चलते हैं, पहले फटाफट तैयार होते हैं उसके बाद में निकलेंगे। फुआ एकदम वीडियो देखी ना तो पूरा एकदम उनको मन लग गया कि कैसा जलता है, कैसे ये लोग खाना बनाते हैं। तो भी सीखने के लिए खोज रही है और खाना बना करके खाने के लिए खोज रही है। तो इसको पहुंचा देते हैं जल्दी से, है ना जी। हाँ। क्योंकि काफी शाम हो रहा है तो चलते हैं फटाफट रेडी होते हैं और निकलते हैं फुआ घर, क्या जी। चलिए आप रेडी तो शायद हो गए है ना। हाँ, नहाए हैं। अच्छा नहा धो करके देखिए दोस्तों रेडी हो गए हैं कविता जी। चलते हैं हम रेडी होते हैं जल्दी से, थोड़ा पैर हाथ धो लेते हैं उसके बाद में निकलते हैं। हमको इधर काम इतना ज़्यादा रहता है ना कि हम जल्दी नहा धोवा नहीं पाते हैं, हमको एकदम फुर्सत नहीं मिलता है। तो आज तो पूरा एकदम बारिश होने के जैसा भी हो गया था सुबह सुबह में, तो इसीलिए पूरा एकदम उधर हड़बड़ी का काम था। उधर ईंटा वगैरह पास करना था, उधर मसाला बना हुआ था, तो वही सब पूरा एकदम जोगाड़ वगैरह देने लगे ना, तो वही सब में लेट हो गया। तो अभी शाम होने चला तो अभी तो नहा धो नहीं पाएंगे। चलते हैं फटाफट धो धा लेते हैं उसके बाद में निकलेंगे। देखिए इधर डेक्ची में पानी भरा हुआ है, यहीं पर धोएंगे और चलेंगे। देखिए इधर भी भरे हुए थे, लाइन आया था उस समय। और देखिए आज गाड़ी को भी बढ़िया तरह से धोए हैं दोस्तों। ये देखिए, देखिए बारिश भी हुआ था उसी से भींग भी गया। कविता जी भी लगे हुए थे धोने के लिए। देखिए पूरा एकदम दोनों पति पत्नी मिल करके पूरे एकदम गाड़ी को चमका दिए हैं। थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पर पड़ा है ना इसलिए उतना चमक नहीं रहा है, ये सूख जाएगा उसके बाद में और भी बढ़िया दिखेगा, क्या जी। चलिए चलिए आप जाइए तैयार होइए, हम धो करके आते हैं। बाल वगैरह झाड़ के रेडी होइए, हम इधर रेडी होकर के चलते हैं। तो पैर हाथ मुँह सब धो लिए दोस्तों, पूरा एकदम फ्रेश हो गए। और देखिए आज का मौसम कैसा कर दिया है, ये देखिए पूरा भी धूप उगा हुआ है। इससे पहले पूरा एकदम बारिश हुआ है उसके बाद में धूप उगा हुआ है। और देखिए एकदम हल्का हल्का हवा भी चल रहा है, ठंडा हवा। ये देखिए पूरा एकदम धीरे 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 एकदम पूरा मौसम जो है चेंज कर रहा है। तो अब चलते हैं दोस्तों, फटाफट रेडी होते हैं और निकलते हैं फुआ घर। और इधर देखिए माँ अभी धूप में आ रहे हैं और बैठ करके बाल झाड़ेंगे। हमारा बुखार लग गया। देखिए इनको ठंडा भी ना दे रहा है ना माँ। कभी धूप कभी ठंडा कभी बारिश, इस तरह से होते रहता है ना मौसम, इसीलिए शरीर खराब हो जाता है, कुछ ना कुछ तबीयत खराब होते रहता है। और ये देखिए दोस्तों हम लोग का बारी का फसल कैसा हो रहा है। ये देखिए पूरा एकदम पानी वगैरह पाता है ना तो पूरा एकदम झालर फेंकते जा रहा है चना। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है। और देखिए मटर में फूल भी आ गया है दोस्तों, और देखिए यहाँ पर फल भी आ गया है। अब इसमें दाना भरेगा उसके बाद में खाएंगे एकदम पूरा गाजर मटर। हम लोग ले करके खाते हैं डेली, लेकिन हम लोग ना अब यहाँ पर खाएंगे, हम लोग अपना बारी का मटर उपजा हुआ खाएंगे एकदम मस्त से एकदम। और अगर ज़्यादा होगा तो हम लोग बेचने के लिए भी ले जाएंगे बाजार। तो देखिए अभी यहाँ पर पूरा एकदम फलना शुरू हो गया है, मतलब पूरा फल गया है। अब इसमें दाना भरेगा उसके बाद में यहाँ पर निकलना शुरू हो जाएगा। और इधर देखिए दोस्तों हम लोग हाथियों से बचने के लिए इस तरह से बाउंड्री वाल देने के लिए देखिए साइड साइड में गड्ढा खोदते हुए जा रहे हैं। यहाँ से वहाँ तक पूरा एकदम खोद देंगे उसके बाद में दीवार उठा देंगे, आराम से सेफ हो जाएगा, जिसमें कि हम लोग का हाथियों से बचने का स्पेशल जुगाड़ हो जाएगा। इधर बहुत सारा हाथी सब उतरते हैं, जंगल से आते हैं, तो वो सबसे हम लोग बच जाएंगे। इस तरह से बाउंड्री वाल दे देंगे तो पूरा एकदम उठा देंगे, मोटा मोटी 3-4 फीट उठा देंगे ना, तो आराम से हम लोग सुरक्षित रह जाएंगे। देखिए इस तरह से गड्ढा खोद रहे हैं, देखिए उधर फूफा जी लगे हुए हैं और उधर से भी खोदते हुए आ रहे हैं। देखिए इस तरह से दोनों आदमी लगे हुए हैं। देखिए इस तरह से मिट्टी पूरा एकदम साइड करना पड़ता है, एकदम हटाना पड़ता है, उसके बाद में दर कोड़ते हैं ना तो बढ़िया होता है, नहीं तो फिर ऐसा ही कोड़ देंगे तो यहाँ पर पूरा एकदम मिट्टी मिट्टी रह जाएगा ना, तो चूहा वगैरह लग जाता है, उसके बाद में पूरा एकदम खोखला कर देता है। और जो भी यहाँ पर मिट्टी वगैरह रहता है ना वो पूरा एकदम धस जाता है पानी आने के बाद में। तो इसीलिए पूरा एकदम नीचे से दीवार उठवाएंगे
ताकि ये पूरा सुरक्षित रहेगा और मजबूत भी रहेगा। इधर देखिए माँ अभी बैठ करके देख रहे हैं। हाँ। क्या माँ? हाँ, यहाँ ठेकरोद ले रहे हैं। तो अब हम चलते हैं दोस्तों अल्बेस्टर वाला घर में, वहीं पर कपड़ा वगैरह चेंज करेंगे। और इधर भी पूरा एकदम मस्त फसल हो रहा है दोस्तों। देखिए पालक का साग कितना मस्त एकदम ताजा है और कितना एकदम लोहपोहान है। देखिए पूरा एकदम बालक है इसका, मस्त लगता है एकदम। भुंजिया भी बढ़िया लगता है और कुर्थी दाल में डाल देते हैं ना तो सब्जी भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए इधर हमारा टमाटर भी लगा हुआ है दोस्तों, उसमें पूरा एकदम फल आ गया है। देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया, दो तीन दिन पहले ना पूरा एकदम छोटा छोटा था, लेकिन अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब कुछ दिन में पक जाएगा, अब हम लोग का टमाटर लेना भी नहीं पड़ेगा। देखिए कितना अच्छा टमाटर एकदम हो रहा है। और इधर साइड में बैंगन भी लगा दिए हैं, बहुत अच्छा अच्छा सब्जी लगा हुआ है। थोड़ा सा ही है लेकिन बढ़िया लगता है ये सब सब्जी खाने में, टेस्टी लगता है। अब चलते हैं फटाफट कपड़ा चेंज करते हैं। देखिए कविता जी पूरा एकदम रेडी हो गया बढ़िया तरह से, क्या जी? चलिए एकदम पूरा सज धज गए हैं फुआ घर जाने के लिए, है ना जी? लक्ष्मी को लेते जाए, लक्ष्मी को हाँ ले लीजिए, क्या की वहाँ रात होगा तो रहना पड़ेगा ना, इसीलिए लेके जाना पड़ेगा। आने जा रहे हैं, इसको भी तैयार, उसको तैयार करवाइए। देखिए इधर हमारा सारा कपड़ा रहता है दोस्तों, यहाँ पर टांग देते हैं हैंगर में, पूरा एकदम सुरक्षित रहता है, गंदा भी नहीं होता है, एकदम अच्छा रहता है। तब चलते हैं कपड़ा फटाफट चेंज करते हैं। तो दोनों पति पत्नी बढ़िया तरह से रेडी हो गए दोस्तों, और लक्ष्मी भी रेडी हो गई है, अभी गई है अपने दादाजी के साथ कलौट घर तरफ, वहीं से उसको उठा लेंगे और चलेंगे, क्या जी? और साथ में इंडक्शन भी लेकर के चलेंगे दोस्तों, फुआ के एकदम नया सरप्राइज देंगे, इंडक्शन चूल्हा, है ना जी? पूरा एकदम खुश हो जाएंगे। ऐसे तो वो वीडियो में देख ही लिए हैं लेकिन फिर भी पहुंचा देंगे ना, ये नया इंडक्शन चूल्हा, तो और भी खुश हो जाएंगे, है ना जी? चलिए अब भरते हैं इंडक्शन चूल्हा। देखिए इधर इंडक्शन का डब्बा रखा हुआ है, इसी में भर लेते हैं और लेकर के चलते हैं। चलिए टेप मार लीजिएगा ना, एकदम नया जैसा एकदम करके देना है ना। चलिए उनको तब लगेगा कि सरप्राइज एकदम लगेगा उनको। उन्हें था और नहीं चल रहा था क्या जी? चलेगा। अच्छा वो ऑन था वहाँ ना, ये वाला ऑन था। अच्छा चलिए आप जान गए। चलिए भरिए अब इसको, इसको पोंछ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा गंदा टाइप का है ना, खाना बनाए ना इसमें तो गंदा हो गया। सुबह से बनते हैं। हम लोग का अब इसी में खाना पीना बन रहा है एकदम, क्या अब मजा आ जाता है खाना बनाने में। उसी तरह से पूरा एकदम पोंछ लीजिए। इस सब में मार गिरा था क्या जी? मार नहीं गिरा। तो कविता जी बढ़िया तरह से पोंछ लिए हैं दोस्तों, अब चलते हैं इंडक्शन चूल्हा को डाल देते हैं डब्बा में। चलिए लेकर के आइए जी, इसका यहाँ इधर चिपकाने वाला होगा, उसको भी लाइए। होगा आइए लेके। कविता जी इसका कवर लेके आ गए हैं, अब चलते हैं इसको साइड में लगा देते हैं। लाइए वो डब्बा को, देखिए ना डब्बा बोल रहे हैं, वो फोम दीजिए। हो गया, इसका केबल को यहाँ पर मोड़ के रख देते हैं, क्या? चलिए अब डालिए इंडक्शन चूल्हा डालिए। देखिए हम लोग का फिर से चेकिंग हो रहा है इंडक्शन चूल्हा हुआ घर जाने के लिए, है ना जी? डालिए, यह डाला गया। रुकिए 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 रुकिए, इसका पकड़ने वाला जी टूट गया। चलिए छोड़िए, नहीं टेप। दूग लगाइए, दो जगह मार दीजिएगा ना तो खुलेगा नहीं, बस बस तोड़िए। अब यहाँ पर बस, तो बढ़िया तरह से पैकिंग हो गया दोस्तों बिजली वाला चूल्हा। अब चलते हैं झोला में डाल लेते हैं और लेकर के चलते हैं फुआ घर। झोला? हाँ झोला, बड़ा वाला। हाँ इधर हम लोग का है, ये है बड़ा वाला झोला, इसी में डालते हैं। लीजिए पकड़िए, तो चलिए। तो सारा चीज रेडी हो गया है दोस्तों, हम लोग भी रेडी हो गए और देखिए इंडक्शन चूल्हा भी रेडी कर लिए। अब हम लोग दोनों पति पत्नी चले हम लोग फुआ घर, है ना? चलिए देखिए इधर हम लोग की स्कूटी खड़ी है, यहीं पर इसको लोड कर देते हैं, यहाँ पर टांगते हैं, बस
देखिए इधर से कविता जी भी आ गया लक्ष्मी को लेकर के, देखिए एकदम मुस्कुरा रही है, मचान दादी घर जाएगी ना लक्ष्मी। हाँ। बैठेगी लक्ष्मी। हाँ, हाँ बैठो बैठो, चालू करिए तो ना। चालू कर रहे हैं, थोड़ा सा मुफलर बांध लेते हैं कान में, हवा लगता है। अभी तो हेलमेट नहीं ले जाएंगे दोस्तों, क्योंकि सामने में ही जाना है, फुआ घर ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहीं पर जा रहे हैं, इसीलिए हेलमेट नहीं लेके जा रहे हैं, मुफलर ही बांध लेते हैं सिर्फ। अब चलते हैं, गाड़ी उठाते हैं रोड में। क्या लक्ष्मी, चलिए मम्मी भी जाएंगे। चलो चले। हाँ हमारा चले दोस्तों, हुआ घर देखिए दोनों तीनों माँ छोड़ो। चलिए जी। हाँ तो घर से हम लोग निकल गए दोस्तों, अब सीधे चलते हैं फुआ घर, दोनों पति पत्नी और साथ में लक्ष्मी भी जा रही है। तो अभी एगो होटल आए हैं दोस्तों, यहाँ से मिठाई ले लेंगे गर्मा गर्म, पकौड़ी वगैरह निकलता है एकदम पूरा ताजा ताजा। क्या जी। तो चलते हैं, गाड़ी को साइड में लगा दिए हैं, चलिए चलिए पकौड़ी लीजिए। देखिए इधर एकदम पूरा एकदम ताजा ताजा निकला हुआ है, पूरा गर्म गर्म है। देखिए इधर और भी निकल ही रहा है। लीजिए जी, कितना लेना है? कितना? आधा किलो ले लीजिए। लीजिए आधा किलो। आधा किलो पकौड़ी दीजिए, गर्मेट आधा है एकदम। और इधर देखिए लक्ष्मी को पूरा एकदम जीभ निकाल करके देख रही है, इसको अभी से पानी आ रहा है पकौड़ी देख करके। हाँ पकौड़ी खोज रही है लक्ष्मी, इसके लिए कचरी दे दीजिए। कचरी खाएगी लक्ष्मी? नहीं खाएगी। अच्छा आलू चॉप बन रहा है ना, तो पकौड़ी वगैरह हम लोग ले लिए दोस्तों, अब चलते हैं सीधे फुआ घर, है ना जी। हाँ। चलिए उसको रख दीजिए झोला में। लक्ष्मी क्या खोज रही है? चॉकलेट। चॉकलेट? चॉकलेट नहीं खाना है बेटा, चॉकलेट नहीं खाना है। चलिए चॉकलेट निकाल करके दे दीजिए, वो खाएगी। चलिए अब चलते हैं सीधे गाड़ी स्टार्ट करके फुआ घर। अब तो इधर सब चीज़ हो गया है ना। हाँ। अब सीधे चलेंगे, बैठो लक्ष्मी, चलो मचान दादी घर। चॉकलेट सब ले लिए, हम चलते हैं फुआ घर। हाँ। चलिए चलिए चलते हैं फुआ घर। तो फुआ घर हम लोग पहुंचने ही वाले हैं दोस्तों। देखिए फुआ घर का रास्ता कैसा है, ये देखिए पूरा एकदम उबड़ खाबड़ है, पूरा एकदम इधर टाँड है, और उधर देखिए एकदम पूरा एकदम घना जंगल है। देखिए कितना विशाल विशाल पहाड़ है, देखिए पहाड़ के किनारे ही उनका घर है। देखिए अभी तक रास्ता नहीं बना है, ऐसा जगह पर फुआ ही लोग रहते हैं। एकदम पूरा एकदम ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग कहाँ पर आ गए, एकदम उस टाइप का लग रहा है। हम लोग घर तरफ भी है जंगल, लेकिन ऐसा जंगल नहीं है एकदम पूरा एकदम। देखिए एकदम इतना दिक्कत होता है ना गाड़ी उड़ी उतारने में, इस समय बड़ा डेंजर है। देखिए इधर पूरा एकदम नाला बह गया है, ये देखिए कैसा रास्ता हो गया है, पानी से पूरा बिगड़ गया है। चलिए अब हम लोग आने ही वाले हैं, बहुत जल्द पहुँच जाएंगे। थोड़ा यही सब रास्ता में गाड़ी चलाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, यहाँ पर पूरा एकदम बरसात में ना पूरा पानी भरा हुआ रहता है। देखिए अभी तो सूख गया है, इसलिए गाड़ी पार हो जा रही है, नहीं तो बरसात के सीजन में एकदम दिक्कत हो जाता है, गाड़ियाँ नहीं पार होती, पूरा एकदम गाड़ी को उधर ही रखना पड़ता है ऊपर तरफ ही। देखिए इधर कुछ कुछ अपने से काट करके बनाए हुए हैं रास्ता, ये देखिए अपने से मेहनत किए हुए हैं, यानी गाड़ी उड़ी आराम से चल जाती है ठंडी के मौसम में, और बरसात के सीजन में पूरा एकदम यहाँ पर कीचड़ हो जाता है। देखिए इधर आकाश पूरा एकदम खेल रहा है, ये देखिए रास्ता में ही मिल गया आकाश बाबू। का बाबू क्या कर रहा है, हैं टायर गुड़काते रहता है। देखिए ये सब पूरा एकदम पहाड़ी आदमी है, जंगली आदमी, पूरा इधर उधर एकदम घूमते रहता है एकदम जंगले जंगल। देखिए और एक बच्चा है, ये सबको कोई डर नहीं लगता है, इधर पूरा हाथी वगैरह आते हैं लेकिन इन लोग का डर वगैरह नहीं लगता है। देखिए कैसे एकदम खेलते रहते हैं, इधर अपना जानवर वगैरह भी चराते हैं, बकरी हो गया, बैल हो गया, कड़ा हो गया, ये सब पूरा एकदम ले करके आते हैं, और इधर ही गोरखी वगैरह करते हैं और खेलते रहते हैं।
तो अब चलते हैं दोस्तों, हुआ घर चलते हैं जल्दी से। आओ बाबू है ना, आओ जल्दी आओ। ये देखिए फुआ का गांव, आ गए हम लोग। देखिए एकदम पूरा पहाड़ के किनारे है फुआ का गांव। देखिए छोटे छोटे मेमना बकरी का बच्चा कैसे खेल रहा है इधर। देखिए पूरा एकदम लोहपुहान है इधर। आ गए हम लोग फुआ घर। देखिए ये है फुआ का घर। चलिए अब यहीं पर गाड़ी खड़ी करते हैं और चलते हैं फुआ घर। अब चलते हैं, बिजली वाला चूल्हा उठाते हैं। आइए जी, चलिए आइए, आराम से उतरिएगा, यहाँ पर पैर स्लिप करता है। चलो लक्ष्मी, आ गए हम लोग मचान दादी घर है ना। हाँ। चलो लक्ष्मी, देखो घर में कौन कौन है। देखिए लक्ष्मी आ गई मचान दादी घर। खुश रहो लक्ष्मी, उसी दिन बहुत रो रही थी मेरा सताने के लिए। हाँ। रही थी, आज पहुंच गई। आज पहुंच गई। आइए। हाँ तो फुआ को दे दिए दोस्तों बिजली से चलने वाला चूल्हा। अब फुआ लगा करके देखेंगे, ट्राई करेंगे। हाँ। बहुत हाथी से बांस के लकड़ी लाना पड़ता है। हाँ। इसलिए तो लिए हुए हैं। चलिए देखिए लोटा पानी मिल गया है, अब चलते हैं धोते हैं। ऐसे तो उधर ही पानी मिल गया था, आप लोग तो देखे ही, पूरा एकदम वहाँ पर नाला बहा हुआ है, उसी में पूरा एकदम पानी रहता है। अभी तो थोड़ा सूख गया है, नहीं तो पूरा एकदम पानी चलते रहता है। फिर भी स्वागत के लिए मिलता है हम लोग का लोटा पानी। कहीं भी जाते हैं ना मर मेहमान, तो स्वागत में हम लोग का झारखंड में इसी तरह से होता है। पहले लोटा पानी मिलता है, उसके बाद में फिर उधर जो भी कार्यक्रम होता है वो बाद में होता है, लेकिन पहला चीज़ है लोटा पानी। तब चलते हैं धोते हैं, हाथ वगैरह धो लिए, अब चलते हैं कविता जी को देते हैं। लीजिए जी, धोइए। क्या लक्ष्मी, खोल के देखेंगे हम। हाँ हाँ, देखिए देखिए देखिए, देखने के लिए ही तो लाए हुए हैं। लेकिन यहाँ अंधेरा दिखता है, वहीं पर खोलने से अच्छा रहता है। अच्छा, इधर हाँ, हाँ। आंगन में, चलिए आंगन में ही खोलते हैं। इधर खोलने से अच्छा रहता है। खोल के देखते हैं। ये देखिए फुआ अभी देखने जा रहे हैं बिजली से चलने वाला चूल्हा। देखिए इधर मुकेश बाबू खेल रहा है, और वो कौन बाबू है? वो ढोलू। अच्छा, ये ढोलू बाबू है ना। अच्छा देखिए अनबॉक्सिंग हो रहा है दोस्तों, बिजली चूल्हा फुआ के हाथों हो रहा है। और इधर देखिए मुकेश बाबू आ गया देखने के लिए। माय बेटा, हम लोग ताड़ रहे हैं तो देखने के लिए हम देखे। चलिए हम लोग तो पहले ही अनबॉक्सिंग किए हैं, चलिए आप लोग कीजिए। ये देखिए बहुत अच्छा है ना। बहुत अच्छा बिजली से चलने वाला चूल्हा है। बहुत अच्छा है, देखिए कितना एकदम मशीन जैसा है एकदम। क्या इधर पंखा भी है? पंखा है, पंखा चलता है। टुकड़ दिया, अरे इसको नहीं टुकड़ना था, यहाँ पर लगाने का था। ये देखिए फुआ का फरमाइश आज पूरा हो गया दोस्तों। इनको पूरा एकदम वीडियो में देखे थे ना, तो इनको पूरा एकदम लग रहा था कि कब से लेकर के आएंगे तो हम लोग भी देखेंगे। देखिए जिनका सपना पूरा हो गया, बहुत पसंद आया। बिजली चूल्हा देखे ना, कभी देखे थे नहीं, लेकिन पहली बार आज देखे। अच्छा, कभी नहीं देखे थे ऐसा चूल्हा, लेकिन आज पहली बार देख लिए। आज पहली बार देख लिए, सही बात है दोस्तों। हम लोग गांव देहात में ना लकड़ी से ही हम लोग खाना बनाते हैं, तो कौन ये सब झमेला पालता है। लेकिन आजकल आ गया है बिजली से बनने वाला चूल्हा, आ गया है बिजली से खाना वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए चूल्हा वगैरह बना हुआ है। आजकल पूरा एकदम मॉडर्नाइज हो गया है, नहीं तो पहले हम लोग लकड़ी लाना था जंगल से, उसके बाद में खाना बनाना था, तो उस सब अब हम लोग का मतलब झंझट हो जा रहा है। और से दूर हो गया। हाँ, और काफी सारा हाथी भी आते हैं ना हमारे इधर, तो डेली डेली कौन जंगल जाएगा लकड़ी लाने के लिए। अरे इतना जंगल में गदार है कि यहाँ आप झूड़ी तोड़िएगा तो वहाँ पर हाथी रहेगा। अच्छा। ध्यान से नहीं देखिएगा तो हाथी मरा देगा। अच्छा, इसलिए बहुत अच्छा आप लोग किए ले लिए। तो फुआ बिजली वाला चूल्हा देख करके पूरा एकदम खुश हो गया दोस्तों। देखिए पूरा एकदम देख रहे हैं एकदम उलट पलट करके, बहुत ही अच्छा एकदम लग रहा है ना फुआ। हाँ, बहुत अच्छा हमको लग रहा है। हाँ, अब चलते हैं फुआ को सिखाते हैं कैसे इसमें खाना बनता है। हाँ। कैसे इसमें हीट देता है सब चीज बताएंगे अभी। तो चलिए वाला आप लोग को अगले वीडियो में देखने को मिलेगा दोस्तों।
अब चलते हैं, फुआ को लगा करके दिखाते हैं, है ना फुआ? हाँ। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।